आप शांत हो जाइए, 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 शांत हो जाइए। ये दोनों बच्चों की दादी हैं, रात से ही बिलक बिलक के रो रही हैं, और पहली बार दादी ने ही उन दोनों लोग को घर के अंदर आते हुए देखा था। एक दर्द है छाती पीट पीट कर, चाहे बच्चों की माँ हो चाहे बच्चों की दादी हो, रात से बिलख रहे हैं। पिता क्योंकि पिता है तो पुरुष उतना थोड़ा मैच्योर हो जाता है, भाव चेहरे पर नहीं ला पाता है, अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है, मरता रहता है घुट घुट कर। लेकिन माँ और दादी ये दो वो महिलाएं हैं जो रात भर से लगातार, हाँ उससे पूछो कि हमारी गलती क्या थी, हमारे बच्चों की क्या गलती थी। 5,000 रुपए भी दिए तेरी बीवी की डिलीवरी होने को थी, मांगे तूने चाय पिलाने को, चाय बन रही तब मेरे बच्चे क्यों काटे, बताओ मेरी क्या गलती। दादी आप बैठिए जरा, पहले आप बैठिए, आराम से बैठिए और आराम से। हाँ ये दो लोग थे आपके घर पहुंचे नहीं, और हाँ दो लोग आए तो चलाते हैं यहाँ पर, ठीक है नहीं दुकान चलाते हैं, हाँ, बाल काटते हैं, सभी बाल कटवाते अपने। कल आया, दोनों आए, एक बाइक से था। हमारी बहू से बोला भाभी हमारी बीवी के डिलीवरी होने को 2-3 घंटे का टाइम दिया है डॉक्टर ने, और मेरे पास 1,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये ज़रूरत है। हमारे बेटे को फ़ोन किया उसने, बेटा बोला दे दो, गरीब है गरीब की कोई बात ना है, दे दो कल परसों दे देगा, 5,000 रुपये दे दिए निकाल के। फिर बोला भाभी हमारा दिमाग ना सही है, 2 घंटा मैं ऊपर टाइम बिता लूँ, उन्हें बिता ले बेटा मैं चाय बना के ला रही हूँ। वो चाय बनाने चली गई, मेरे आयुष को ले गया ऊपर अकेले काट दिया, फिर ले गया आन से मंगाया पानी शराब का पौआ ले गया, शराब पी उसने और मेरे आन को भी काट दिया। जे बोला जे चीख जे गया छोटा वाला बीच वाला, चीख कैसी आई, अरे भैया क्या कर रहे हो, तब ही उसका मुँह ऐसे पकड़ लिया इसका, इसने जो ऐसे धक्का मारा गिलास टूट गया कांच का, शराब पी थी बुलेट पे वो फिसल गया, तभी जो भाग आया ऊपर से बोला अरे अम्मा दादा का हाथ काट दिया। हम लोग यहाँ से भागे, हमारी बहू गई अंदर, अरे अम्मा मम्मी तुम ऊपर मत जाना, फिर वो उनके पीछे भी आया इनके पीछे। जे नीचे हम उतरे आए तब तक देखें जो ग्रिल पर जो बुलेट पड़ा है ऐसे टपका रहा था ऐसे, हम तीनों लोग भाग गए बाहर, हमने गेट बंद कर लिया बाहर का, हमने आवाज लगाई मोहल्ला वाले सुनो, मोहल्ला वाले आए, प्रधान आए, उनने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई तब पकड़ के ले गए उसे। अब वो बाइक वाला भाग गया, जावेद बाइक पर था भाग गया, अब हम नाम ना जानते जावेद है जाने कौन। अच्छा। क्योंकि आपके घर में बैठ के शराब भी पी रहे थे, खान मतलब चाय भी, बच्चों ने चाय भी दी, पानी नहीं, भी चाय नहीं दी, चाय नहीं दी। अच्छा तो आना जाना था दोनों लोग का? नहीं, उसने अपनी मजबूरी दिखाई, बोला मेरी बीवी के डिलीवरी होने को है और मैं परेशान हूँ, 2 घंटे का टाइम दिया है डॉक्टर ने, भाई अगर 5,000 के हों तो हमें दे दो, तो बस्ती की मोहल्ला बस्ती की वजह से उसको दे दिए। अगर बेटा तू परेशान है तो चाय, हम चाय बना रहे हैं और 2 घंटा अपने काट ले, जब तेरी बीवी का टाइम आए फोन आए तब चला जाना, ये बात थी उससे, तब तक मेरे बच्चे काट। बच्चों के जो पिता हैं वो घर से दूर थे उस समय? वो थे मोहम्मदी, काम चल रहा था, वाटर टैंक बनाते पानी का, घर के पास था, बच्चे उसके पास जाते भी थे? वैसे नहीं जाते थे, बाल बनवाने को जाते थे, वैसे कोई रिश्ता नहीं था, वो मुसलमान था, हमसे कोई वास्ता नहीं था। उससे जे पूछी जाए हमारे जे है उसे कि हमारी वो लोगों की गलती क्या थी, उसे पकड़ा जाए हमारे बच्चों की गलती क्या थी या मेरे बच्चों से क्या दुश्मनी थी तुझको, जो तूने बच्चे मेरे इतने बेरहमी से काटे, उसके बाद में तब एनकाउंटर करे, फिर उसके परिवार जैसे हम आज बिलक रहे हैं ऐसे उसका भी परिवार बिलकाए, तब तो आपकी मीडिया सही है। अब ना तो हम चारों लोग जा रहे हैं, आप सुन लो एस पी ऑफिस जाएंगे, चारों लोग पता भी ना चले तब तक तुम देखना क्या होता, अभी पुलिस घेर रही है हमें, जब करना पुलिस ना घेर पाएगी, पुलिस क्या करेगी? पुलिस कह रही है कि शाम तक पकड़ लेंगे उसको भी जो भागा हुआ, पकड़ के उससे पूछें, जे पूछा है कि हम लोगों से क्या गलती है, क्या परेशानी थी, जबकि हमने 5,000 रुपए दिए तेरी बीवी की वजह से, तुझको चाय पिलाने की तेरी मदद करी, तुझे अपनी सहारा दिया, तब भी तूने हमारा ये क्यों किया,
मेरी कोई दुश्मनी तो थी नहीं। तो अच्छा माँ जी, कभी कोई विवाद हुआ हो? कभी नहीं। कभी थोड़ी बहुत कोई बहस कुछ कभी कुछ हुआ? बिल्कुल, वो बाल बनाता था, हमें क्या मतलब उससे, पैसे दे देते दे बच्चे बाल बनाता था, जो पैसे लेता था वो बच्चे देते थे, उससे क्या मेरा विवाद होना। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ तंत्र मंत्र जैसी बातें हैं, वो कह रहा है कि 5 बार बच्चे उसकी साजिद की बीवी प्रेग्नेंट हुई लेकिन बच्चा पहले ही मिसकैरेज हो जाता है, गर्भपात कराना पड़ता है। अरे तो हमारे बच्चे को रह गए बे, हमारे बच्चे को रह गए तंत्र करने को। अरे हमारे बच्चे नहीं थे, उसी के बच्चा था। अरे किसी को अपने कुछ भी और तंत्रगंध करता, किसी के बच्चे से बच्चे मिल जाते हैं, सोचो पहले आप भी बच्चे वाले हो गए। किसी के धन से धन मिलता है अपनी मेहनत से, किसी के बच्चे मार के बच्चे मिलते हैं। जब हमारे अच्छे कर्म करोगे तभी वह चीज़ मिलती है, चाहे धन हो चाहे औलाद हो, ये अपने कर्म ही जाते हैं। आज हम बिलक रहे हैं, ऐसे हम कुछ कह ना सकते अपने पेट से। योगी आदित्यनाथ बहुत ही सख्त मुख्यमंत्री हैं, क्या अपील करेंगी आप, क्योंकि उन्होंने लगातार ये निर्देश दिए हैं कि हाँ, यही अपील है हमारी सर जी से, यही अपील है हमारी, उसको पूछा जाए कि हमारी गलती क्या है, हमारे परिवार से या मेरे दो मासूम बच्चे जो काटे उससे क्या है परेशानी थी, जो मेरे बच्चे काटे तुझे, तूने हमें परेशानी बताई, हमने तेरी परेशानी सुनी, 5,000 रुपये दिए, तू मेरा रिश्तेदार तो था नहीं, तेरी ये थी कि हाँ भैया तू नाई था, हमने उस वजह से तुमको 5,000 रुपये दिए, तुझे चाय बनाने को कही, चाय ना चाय भी तो नहीं पी पाया तब तक, तो मेरे बच्चे काट दिए, अरे मेरे आगे रह गए ऐसे करे हमसे पूछो, अरे मेरा लाल छोटा वाला मेरे पास से 10 मिनट ना हुए, बोला अम्मा मैं डांस करूँगा, टीवी चला दो डांस का बड़ा करे, आज पेपर मेरे के छूट गए दोनों के, अरे एक शिष्य में था और एक भैया के जी में था, जय फोर्थ क्लास में पीऊँ सर, भैया मैं कैसे तसल्ली करूँ, मेरे पले पलाए चले गए, योगी से मेरी यही प्रार्थना, योगी जी मेरी मदद करो, अरे भैया ना तो मैं बस अपना आत्महत्या करूंगी, मैं तो भैया चारों लोग जाऊंगी आपको पता ना चलेगी, और हम जाएंगे जरूर, टाइम निकाले कोई टाइम हो, मैं तो ड्यूटी करती हूँ होमगार्ड में सर जी, यही ड्यूटी करती थी सर। नहीं, सरकार आपको मदद करेगी, आपको न्याय दिलाएगी, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको न्याय दिलेगी, पुलिस वाले लोग कह रहे हैं अधिकारी लोग कि आपको न्याय मिलेगा। ये पूरी घटना कितनी देर में हुई माँ जी, कितना समय लगा उसके आने से? 1 घंटा लगा होगा, मुश्किल से नहीं लगा होगा 1 घंटा, आने जाने में इतना ही घंटा ज्यादा, हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो जो ऊपर हाहा मचाई तब पता चली। तो ये उस दादी का हाल है जिसने अपनी गोद में खेले उन दो नाबालिगों को, दो मासूमों को गंवा दिया है, अब रो रो कर गुहार लगा रही है, सीएम योगी से गुहार लगा रही है, प्रशासन से गुहार लगा रही है कि बच्चे तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन कुछ ऐसा करो कि जिससे इस परिवार का जीवन जीवन भर वो एक ढांढस बंधा रहे, परिवार एक उम्मीद में जिए कि नौनिहाल तो चले गए लेकिन एक उम्मीद बन जाए, क्योंकि वो तस्वीरें जो इस परिवार ने देखी हैं वो ओझल इस परिवार की आंखों से कभी नहीं होने वाली है। और ये दर्द क्या है ये परिवार ही समझ सकता है, बार बार चीख चीख कर दादी रो रही हैं, चीख चीख कर माँ रो रही हैं, और बस इतना ही पूछ रही हैं कि उनकी गलती क्या है, कभी कोई लड़ाई नहीं, कभी कोई बहस नहीं, तो आखिर क्यों साजिद और जावेद ने दो मासूम बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। कैमरा पर्सन ईश्वर दयाल के साथ मानव यादव, न्यूज़ इन इंडिया, बदायूं।